कोटा में एक पुजारी परिवार को न्याय न मिलने पर अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद भी अब मैदान में उतर आया है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर 3 दिन का अल्टीमेटम। आपको बता दें, कोटा के पीड़ित पुजारी परिवार को न्याय नहीं मिलने और कोटा जिला कलेक्टर के कार्यालय के बाहर 3 दिन से धरना देकर बैठे पुजारी परिवार और कोटा संभाग सहित अन्य कई जिलों से धरना प्रदर्शन में आए समाज बंधुओं के द्वारा कोटा जिले के किशनपुरा तकिया के लवकुश बैरागी पुत्र सत्यनारायण बैरागी और उसके परिवार की महिलाओं और पुरुषों के साथ गांव के कुछ दबंगों द्वारा की गई मारपीट और पुजारी की मंदिर की जमीन को भी छुड़ा लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन रेलवे कॉलोनी पुलिस थाना द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसको लेकर अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद के प्रदेशाध्यक्ष भुवनेश शर्मा और वैष्णव बैरागी विकास सेवा समिति अध्यक्ष विनोद कुमार वैष्णव के नेतृत्व में पीड़ित पुजारी परिवार को न्याय दिलाने और पुजारी को जमीन दिलाने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में आज समाज बंधुओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर कोटा जिला कलेक्टर से जर्रे मोबाइल फोन सूचना के वार्तालाप कर कोटा के उपजिला कलेक्टर को जिला कलेक्टर के नाम कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ये नया गांव पड़ता है, नया गांव तकिया, जिसका पुलिस थाना लगता है रेलवे कॉलोनी कोटा। ये पुजारी परिवार उस गांव में मंदिर की सेवा पूजा करता था, लेकिन वहां के कुछ असामाजिक तत्व हैं 257, उन लोगों ने इस परिवार को मंदिर से बेदखल कर दिया और उस गाँव के अंदर मंदिर है और इस परिवार का अकेला घर है। इसके घर पे CCTV कैमरे लगे हुए थे, गांव के जो असामाजिक तत्व है उन्होंने इसके घर पे जाके हमला किया, मकान के अंदर घुस के इसकी माता और बहनों और बच्चों के साथ मारपीट की, खुद के साथ मारपीट की। जब परिवार थाने के अंदर गया रेलवे कॉलोनी में, CI के द्वारा अभद्रता की गई एवं इसको न्याय न देकर इसके खिलाफ उल्टी कार्रवाई की, इसको बंद कर दिया गया। तो ये एक पुजारी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, उसके लिए आज हमने हाड़ोती के जितने भी वैष्णव बैरागी समाज के बंधु हैं, समाज के सभी ने कलेक्ट्री पर 3 दिन से अनिश्चितकाल धरना दे रखा है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल कान बंद करके बैठा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम IG से मिले, कलेक्टर से मिले और CM मुख्यमंत्री जी को आवास में भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं आई है। और परिवार किस बात का था, कोई झगड़ा नहीं था, मंदिर की सेवा पूजा करते हैं और मंदिर की जो भूमि है उस पर इन लोगों की निगाह थी कि भाई ये करोड़ों की भूमि हो गई, इस पर कब्जा कर लिया जाए, इनको भगा दिया जाए। ये कुल मिला के असामाजिक तत्व हैं, कोई परिवार विशेष के लोग नहीं है, जाति विशेष के लोग नहीं है, गांव के ही कुछ गुंडे हैं वो इस तरह की घटनाएं कारित कर रहे हैं। ठीक है, नाम बताइए। मैं भुवनेश वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद राजस्थान। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।